नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पेशल। मैं हूं आपके साथ प्रीति। दुनिया भर में एक से बढ़कर अजीबो गरीब और खतरनाक चीज है जिनके बारे में हम सुनकर हैरत में पड़ जाते हैं। वैसे तो ग्रीनरी के लिए पौधों का होना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि दुनिया भर में लोग पौधारोपण के लिए तमाम अभियान चलाते हैं। सरकार भी लोगों को ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने के लिए प्रेरित करती है। ब्रिटेन में एक शख्स को भी पौधे लगाना काफी पसंद है। वो अपने पुराने पौधे से उग गया तो उसने एक नया प्लांट लगाने का फैसला किया, लेकिन आज उसे इस पौधे को पिंजरे में बंद करके रखना पड़ रहा है। पिंजरे पर भी खतरे का निशान बनाना पड़ा है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल इस खतरनाक पौधे का नाम जिम्पाई है। जिम्पाई नामक पौधा ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी जंगली इलाकों में पाया जाता है। ये दुनिया के सबसे खतरनाक पौधों में एक है। जैसे ही कोई जानवर या आदमी इस पौधे के संपर्क में आता है, वैसे इसकी पत्तियां और तनों पर मौजूद सुई जैसे छोटे छोटे रोए इसकी त्वचा को भेद कर भीतर घुस जाते हैं और उसे असहनीय पीड़ा होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये पौधा काफी जहरीला है, जिसके संपर्क में आते ही मिनटों में इसका चेहरा असहनीय पीड़ा देना शुरू कर देता है। इस डंक का असर महीनों तक रह सकता है। जब तक त्वचा में धसे जिम्पाई के रोए बाहर नहीं निकलते, तब तक शख्स को बहुत पीड़ा होता है। खुजली और सूजन का एहसास होता रहता है। इस पौधे के संपर्क में आने के बाद शख्स को ऐसा महसूस होता है उसके ऊपर किसी ने एसिड डाल दिया है, फिर उसे बिजली का झटका लगा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लेप या फिर वैक्स के जरिए रोए को बाहर निकाला जाता है, जिसके बाद संपर्क में आने के बाद शख्स खुद को मारने के लिए मजबूर हो जाता है। हालांकि देखने में किसी साधारण पौधे जैसा ही लगता है, लेकिन छूने पर इसका डंक आपको एक ही साथ गर्म एसिड से जलने और बिजली के झटके का एहसास दिलाएगा। कहा जाता है कि यह पौधा लोगों को तड़पा कर खुदकुशी के लिए मजबूर कर देता है और इसलिए इसे सुसाइड प्लांट भी कहते हैं। इतने खतरे के बावजूद ब्रिटेन में एक शख्स ने अपने घर में यह पौधा उगाया है, क्योंकि वो अपने पुराने पौधे से उग गया था। उसने इस प्लांट को एक पिंजरे में बंद रखा और जिसपे खतरे का निशान भी बना दिया है। डेली मेल की खबर के मुताबिक डेनियल एमलिन जोन्स ब्रिटेन में रहते हैं। उन्हें पौधे लगाना काफी अच्छा लगता था। वो कई पौधे लगा भी चुके हैं, लेकिन रूटीन पौधे लगा लगा कर वो इतने बोर हो गए थे, उन्होंने इस सुसाइड प्लांट का उत्पन्न किया। इसके बाद वो जिम्पाई पौधा को ले और उसे सावधानी से लगाने लगे। डेनियल ने बताया कि वह कुछ रोमांचक करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि बसंत के मौसम में लगाया जाए। डेनियल ने पौधा तो लगा लिया, लेकिन उन्हें इस पिंजरे में बंद करना पड़ा। इसकी वजह है इसका खतरनाक होना। दरअसल जिम्पाई को दुनिया का सबसे खतरनाक पौधा बनाया गया है। इसे छूते ही इसका डंक गर्म ऐसे से जलने और बिजली के झटके का एहसास दिलाएगा। कहते हैं कि यह पौधा इतना ज्यादा तड़पाता है कि लोगों को मरने पे मजबूर कर देता है। एक्सपर्ट बताते हैं कि छूने पर अगर इसका कांटा त्वचा में रह जाए तो यह पौधा एक साल तक परेशान कर सकता है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक एक व्यक्ति ने इस पौधे का इस्तेमाल टॉयलेट पेपर के रूप में कर दिया था, जिसके बाद वह दर्द से इतना परेशान हुआ कि उसने खुद को गोली मार ली। ऑक्सफोर्ड टीचर डेनियल भी इसके खतरे का सामना कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि अगर आप इसे छूते हैं तो ये सही नहीं होगा, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया सरकार की वेबसाइट पर इस पौधे को लेकर चेतावनी जरूर दी गई है। वेबसाइट पर इस पौधे को खतरनाक बताते हुए इससे दूरी बनाए रखने के लिए कहा गया है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए नेक्स्ट स्पेशल। नमस्कार।